ये वाक्या एक हिंदू औरत का है जो हिंदू होने के बावजूद कुरान मजीद की तिलावत करती है। हालांकि उसका शौहर गैर मुस्लिम होता है, इसके बावजूद वो कुरान मजीद की तिलावत करती है और यकीन के साथ हर रोज़ कुरान मजीद को पढ़ती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है। एक दिन वो कुरान मजीद पढ़ रही होती है और उसका शौहर घर आता है। शौहर बीवी को ये काम करते देखकर काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि मेरी बीवी क्या पढ़ रही है। वो बीवी के पास आता है, बीवी फौरन कुरान मजीद को बंद करके रखने के लिए चली जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शौहर मुझे कुरान मजीद पढ़ते देख ले। वो फौरन कमरे में जाती है और कुरान मजीद रख के आ जाती है। वो आकर चारपाई पे बैठ जाती है। इधर उसका शौहर उसके पास आकर बैठता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही थी, तुम्हारे हाथ में मैंने एक किताब देखी, वो कौन सी किताब थी बताओ मुझे। वो औरत कहती है, नहीं बस मैं तो ऐसे ही रिसाले पढ़ती रहती हूँ, आपको तो पता है कोई ऐसी वैसी किताब नहीं थी। शौहर उसे कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम कुछ ऐसा वैसा कर रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे काफ़ी बातें सुनाता है और कहता है कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, जल्दी जाओ। बीवी चली जाती है और उसके लिए गिलास पानी का लेकर आ जाती है और उसके पास बैठ जाती है। शौहर सारा पानी पीता है और चला जाता है। रोज़ की तरह बीवी अपने घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती है। वो घर की सफाई कर रही होती है कि अचानक सफाई करते करते उसका पाँव फिसलता है और वो ज़ोर से ज़मीन पर गिर पड़ती है। उससे काफ़ी चोट लगती है और दर्द के मारे वो रोने लगती है। रोते रोते उसको ख्याल आता है और वो कमरे में जाती है। उससे चला भी नहीं जा रहा होता, उसकी टांग पे काफ़ी चोट आ जाती है। वो जाती है कमरे में, कुरान मजीद को चूमती है और अपने ऊपर फेरती है और अल्लाह से दुआ करती है। फिर वो कुरान मजीद वहीं रख देती है। उसका शौहर उस पर नज़र रखता है और कमरे में आता है कि मेरी बीवी क्या कर रही थी। वो चारपाई पे बैठता है और सिराने पर देखता है कि कहीं ये वही किताब तो नहीं जो मेरी बीवी पढ़ती है। वो चेक करता है और उस गुलाफ के नीचे कुरान मजीद नहीं होता। वो कहता है कि शायद मैं भूल गया। वो गुलाफ वहीं रख कर कमरे से चला जाता है। शौहर को डॉक्टर एक बहुत बड़ी बीमारी बताते हैं और वो शौहर अपनी बीवी को कहता है कि शायद मेरा एक महीना बाकी है, मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, इसीलिए मैं अब ज़िंदा नहीं बच सकूँगा। वो काफ़ी परेशान होता है और रोने लगता है। इधर बीवी शौहर की ये बात सुनकर काफ़ी गमज़दा होती है और रोने लगती है। वो रोते रोते सोचने लगती है और अचानक उसको एक ख्याल आता है। वो शौहर को कहती है कि आप परेशान ना हों, मेरे पास आपके लिए एक दवा है, अगर आप मेरी बात मानेंगे और मुझे नहीं रोकेंगे, मैं जो करूंगी आप मुझे मना नहीं करेंगे। शौहर कहता है, ठीक है मैं वादा करता हूं, तुम जो करोगी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। वो ये सुनकर अंदर जाती है कमरे में और कुरान मजीद की सूरत फातिहा की तिलावत करने लगी। जब वो सूरत फातिहा पढ़ लेती है तो अल्लाह ताला से दुआ करती है कि ऐ मेरे रब, मेरी इज्जत रखना, मेरा यकीन सिर्फ तुझ पे है, तू मेरे शौहर की ये बीमारी ख़त्म कर। वो ये दुआ मांगकर पानी के गिलास में फोंक मार देती है और वो पानी लेकर अपने शौहर के पास जाती है और वो पानी उसे देती है। वो हिंदू औरत कामिल यकीन के साथ सूरत फातिहा हर रोज़ पढ़ती है और अपने शौहर को पानी दम करके देती है। बेशक जो काम यकीन के साथ किया जाए, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान, अल्लाह ताला उसकी ज़रूर मदद फरमाते हैं। इसी तरह वो हर रोज़ सूरत फातिहा की तिलावत करती है और दुआ मांगकर पानी पे दम करती है और हर रोज़ अपने शौहर को पिला देती है। ऐसा वो लगातार एक महीने तक करती रहती है। वो हर रोज़ सूरत फातिहा की तिलावत करती है और पानी अपने शौहर को पिला देती है। उसका यकीन सूरत फातिहा पर इतना कामिल हो जाता है कि वो अपने शौहर को दवा भी नहीं लेने देती। वो कहती है कि बस यही दवा है। इस तरह दिन गुजरते रहते हैं और वो ऐसा अमल करती रहती है यकीन के साथ और शौहर को पानी पिलाती रहती है और अल्लाह से दुआ भी करती है। इस तरह एक महीना गुजर जाता है।
एक दिन उसका शौहर डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही बीवी दुआएं मांगने लगती है कि ऐ अल्लाह, मैंने तुझ पे यकीन रखा और तू ही मेरी लाज रखना। इधर शौहर रिपोर्ट लेकर खुशी खुशी दरवाजे में दाखिल होता है और भागकर अपनी बीवी के पास आता है। बीवी शौहर की खुशी देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ है। शौहर उसे बताता है कि जब मेरी न्यू रिपोर्ट्स आईं तो डॉक्टर खुद देखकर हैरान रह गया और कहने लगा कि तुम्हें तो कोई बीमारी थी ही नहीं, मगर ये कैसे हो सकता है। पहले तो तुम्हारी रिपोर्ट्स में कैंसर की बीमारी थी, लेकिन अब तुम्हारी रिपोर्ट्स में कोई बीमारी नहीं, लगता है कि तुम्हें कैंसर हुई भी नहीं थी। ये तो कोई अजीब मौजजा हुआ है। बीवी कुरान मजीद लेकर आती है और कहती है कि सारा इलाज तो इसी ने ही किया है। शौहर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। वो फौरन कुरान मजीद को उठाता है और अपने सीने से लगा लेता है। कैसे उस औरत ने अपने शौहर को इस्लाम भी कबूल करवा लिया और उसकी बीमारी भी दूर कर दी। सुभान अल्लाह।